नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? महाराष्ट्र की सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी की थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 3 महीनों का समय है, 3 महीनों तक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन 3 महीनों के बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रखना और बेचना पे पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। और 23 जून से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर अब ये बैन एप्लीकेबल हो गया है। यानी महाराष्ट्र में लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रख नहीं सकते और बेच नहीं सकते। आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो, पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं चल रही हैं, सिविल सोसाइटीज चर्चाएं ऑर्गेनाइज कर रही हैं, एनजीओस भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर सके, किया जा सके, और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को भी प्रेशराइज किया जा सके कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाएं। और हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नैरेटिव क्या है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2022 से पहले पहले जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, जैसे जो पोलिथीन होते हैं या फिर डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल प्लेट्स, ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं इनको बैन कर दिया जाएगा 2022 से पहले पहले, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो आर्टिकल में एक बात ये कही जाती है कि टारगेट काफी ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन इस टारगेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं रखा गया है। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। तो सोच के देखिए, 91% जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है उसका किसी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं होता, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता। तो यही प्लास्टिक पर्यावरण को, यानी इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ज्यादातर जो प्लास्टिक है वो समुद्र में पहुंच जाता है, ओशियंस में पहुंच जाता है, फूड चेन में एंटर कर जाता है। तो ना सिर्फ मरीन एनिमल्स बल्कि ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर देखो हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो प्रॉपर डेटा का भी अभाव है, कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, कितने परसेंट प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जाता है और कितने परसेंट प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाता है। जो डेटा है काफी पुराना है और डेटा कलेक्शन पे भी बहुत कम फोकस किया गया है, रिसाइकिलिंग पे तो छोड़िए। 2016 में रूल्स आए थे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अगर देखो उन रूल्स को ठीक से इंप्लीमेंट किया होता सरकार के द्वारा, तो आज प्रधानमंत्री मोदी को वो टारगेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 से पहले पहले जो सिंगल यूज के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा दिया जाएगा। तो सरकार को यह चाहिए कि ना सिर्फ जो ऑलरेडी रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन अगर किसी प्रकार की अमेंडमेंट की आवश्यकता है, अगर सरकार को लगता है कि रूल्स को चेंज करने की आवश्यकता है तो रूल्स में बदलाव भी किए जाएं, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा अब आज के समय में गंभीर हो चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा 20 साल पहले स्टैंडर्ड्स जारी किए गए थे कि विभिन्न तरह के प्लास्टिक्स को किस प्रकार से पब्लिश किया जाएगा, लेकिन 20 साल हो गए अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा उन स्टैंडर्ड्स में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो आर्टिकल में आगे कुछ सजेशंस की बात की जाती है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट अपनाना होगा, जिस पे सरकार को फोकस करना होगा, वो तो यही है, सोर्स पॉइंट पे फोकस किया जाए। यानी हम सब लोग या फिर शॉपिंग मॉल्स या फिर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इन सब एंटिटीज को चाहिए कि सोर्स पॉइंट पे ही प्लास्टिक को दूसरी तरह के कूड़े करकट से अलग किया जाए। क्योंकि देखो शुरुआत में ही प्लास्टिक को अगर दूसरी तरह के कूड़े करकट के साथ, गार्बेज के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट है जो सजेशंस में दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आप एक बात बताइए कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा चलन में क्यों आया, यानी प्लास्टिक को बहुत ज्यादा यूज क्यों किया जाने लगा? तो इसका रीजन है प्लास्टिक का इनएक्सपेंसिव होना, यानी प्लास्टिक का सस्ता होना। तो सस्ते होने की वजह से जो प्लास्टिक का यूज है बहुत ज्यादा होने लगा सिंगल यूज के लिए। अगर देखो सरकार कुछ अल्टरनेटिव्स रखे कि प्लास्टिक के बजाय किस चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है तो लोग प्लास्टिक को यूज करना छोड़ देंगे। तो इसलिए प्लास्टिक पे बैन लगाने से पहले प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स पे भी फोकस करना होगा। जैसे देखो सामान को कैरी करने के लिए
क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है जा सकता है या फिर दूसरे तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्लास्टिक को तो मशीन से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मशीन की सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको एज ए प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसा करने से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, तो लोगों को भी इससे फायदा होगा। उसके बाद पॉइंट आता है वो कंपनीज, वो एंटिटीज जो कि कवर्ड हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तो इन कंपनीज को भी अकाउंटेबल बनाना होगा ताकि ये कंपनीज भी अपनी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यानी ये कंपनीज अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं प्लास्टिक के सैसे में, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू या फिर लेज, तो ये कंपनीज प्लास्टिक्स को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें। आपको याद होगा प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें इन कंपनीज के द्वारा ये बहाना बनाया जाता था कि देखो कई सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर प्लास्टिक के सैसे में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, तो बाद में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कंपनी का ये प्लास्टिक पैकेट है। तो राइटर ने उस समय ये सजेशन दिया था कि इंडिया को विभिन्न जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है और कंपनीज के एक क्लस्टर को एक जोन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मान लीजिए इंडिया को 29 जोन्स में डिवाइड कर दिया, तो कुछ कंपनीज को एक जोन की जिम्मेदारी, कुछ दूसरी कंपनीज को दूसरे जोन की जिम्मेदारी, और तीसरी टाइप की कंपनीज को तीसरे जोन की जिम्मेदारी। तो ये कंपनीज मिलके एक जोन में जितना भी प्लास्टिक जनरेट होगा मिलके उस प्लास्टिक को रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे, उस प्लास्टिक को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सजेशन दिया गया था राइटर के द्वारा लास्ट टाइम जब हमने प्लास्टिक से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनियन डेवलपमेंट सेक्रेटरी वो मॉनिटर करें हर तरह की प्लास्टिक जनरेटिंग एक्टिविटीज को, कि हमारे देश में कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, कितने प्लास्टिक को कलेक्ट किया जा रहा है, कितने परसेंट प्लास्टिक को कहाँ पे रिसाइकल किया जा रहा है, कहाँ पे प्लास्टिक मैनेजमेंट से संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने की आवश्यकता है। अगर देखो समय समय पे यूनियन डेवलपमेंट सेक्रेटरी के द्वारा इस प्रकार की मॉनिटरिंग एक्टिविटीज की जाएंगी तो अथॉरिटीज पे भी प्रेशर रहेगा कि देखो हायर लेवल पे भी सरकार इतनी ज्यादा सीरियस है, हायर लेवल पे भी इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग हो रही है, तो लोअर लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं वो ज्यादा सीरियस रहेंगी और इवन जनता भी ज्यादा जागरूक रहेगी कि देखो सरकार इतना कुछ कर रही है तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो स्वच्छ भारत अभियान का, पहले देखो लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन जब से सरकार बहुत ज्यादा सीरियस हुई है स्वच्छता के मामले में तो बहुत हद तक लोगों में भी सीरियसनेस आई है कि हाँ जो कूड़ा है उनको रोड पर नहीं फैलाना है, सरकार सीरियस है तो हमें भी सीरियस होने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक मैनेजमेंट के बारे में। चलते हैं तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।